तो गाइज कॉकी टेल्स को जब लूज मोशंस लग जाए तब करना क्या है, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो गाइज, माय नेम इज देव एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑल अबाउट पेट्स। तो मेरे पास एक ब्रीडर पेयर है जो मेरे किसी जानकार का है, वो मुझे देकर गए हैं क्योंकि उनको और रखना नहीं था, एंड इन केस किसी को भी चाहिए हो ये पेयर तो ले सकता है। लेकिन बात क्या हुई है मैं आपको बताऊं, ये जो फीमेल है ना इसने 3 अंडे दिए एंड फॉर सम रीजन आई एम नॉट श्योर व्हाई इसको जो है लूज मोशंस लग गए हैं। ठीक है, आप मैं इसकी वेंट चेक कराऊंगा तो आपको पता चलेगा और आपको इसको इसकी सीप भी दिख रही होगी। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट मैं 3-4 दिन से कर रहा हूँ और ये ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं इतना आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है जब आपके कॉकटेल को भी लूज मोशन लग जाए। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है चेंज करना इनका खाना। तो देख रहे हैं मैंने इसको जो है कंगनी दिए सिर्फ, चाहे कोई भी आपका बर्ड हो ठीक है उसको जब भी लूज मोशन लगे तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ कंगनी दे। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने मोटी कंगनी दी है, आप छोटी कंगनी भी दे सकते हैं, इसमें 2-3 तरह की कंगनी जो है मिक्स्ड है। ठीक है, आप अगर ये वाला दाना देंगे जो यहाँ पे मैं जनरली यूज़ करता हूँ, ये देखिए ये सीड मिक्स जो है ना, ये एक्चुअली इसमें सनफ्लावर सीड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कैनरी भी होती है थोड़ी बहुत, और वो जो सीड्स हैं उससे पेट और गर्म होता है जिससे जो बर्ड्स का लूज मोशन है ना वो रुकता नहीं है। ठीक है, एंड लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कंगनी देते हैं आप तो कई एक हद तक ये जो है आपके बर्ड का लूज मोशन कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सेकेंडली मैंने इसको सॉफ्ट फूड देना बंद कर दिया है। आप उस केज में देखिए, देखिए सॉफ्ट फूड है, ठीक है मैं आपको वैसे दिखाता हूँ, ये देखिए सॉफ्ट फूड मैंने यहाँ पे दिया हुआ है राइट, लेकिन मैंने इसको कहीं सॉफ्ट फूड नहीं दिया हुआ है। इधर मैंने नॉर्मल पानी रखा है, इधर मैंने यहाँ पे रखा है यहाँ पे ये कंगनी दाना। ठीक है, और क्या इलाज कर रहा हूँ मैं इसको जो है ना हैंड फीडिंग फॉर्मूला दे रहा हूँ, और उसमें क्या मिला के दे रहा हूँ ये देखिए अबॉट का जो है ये आपको फ्लाजिल मिलता है। ठीक है, सस्ता है ये, आप देखिए 30 रुपीज़ का था जब मैंने पहले खरीदा था इसको। ठीक है, आप फ्लाजिल की जगह मेट्रो जेल यूज़ कर सकते हैं, पावर जेल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको लाइए और मिक्स कीजिए हैंड फीडिंग फॉर्मूला में, अगर आपको हैंड फीडिंग करानी आती है तो, और इसको करा दीजिए। तो क्या होता है ना कि आपका बर्ड खाता रहता है और खाता रहेगा, और अगर उसको लूज मोशंस की दवाई भी आप देते रहेंगे तो सही हो जाएगा। लूज मोशंस लगे हुए हैं और वो खा नहीं रहा तब जाके बहुत दिक्कत आ जाती है। एनीवे मैं बात करूं अगर इनके बारे में, तो लेट्स से कि आपको खिलाना नहीं आता तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर आपको हैंड फीडिंग करानी नहीं आती है तो आप इनको पकड़िए डायरेक्टली इनके मुंह में जो है 2-3 ड्रॉप्स पावर जेल या फ्लाजिल का डाल सकते हैं, साथ में जो उनका पानी है इसको मिला के दे सकते हैं। आज मैंने खाना पानी नहीं दिया था, मम्मी ने दिया था, तो दिस इज़ द रीज़न मम्मी भूल गई इनको जो है ये देना, अदरवाइज मैं ये मिला कर देता हूँ। अच्छा, हैंड फीडिंग फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने बना लिया। तो गाइज़ ये जो है मैंने इतना सा हैंड फीडिंग फार्मूला लिया है, और मैं इसमें जो है थोड़ा सा फ्लाजिल मिलाऊँगा। ठीक है, इतना बहुत है, ये जो है क्वांटिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है। और ये पता है मुझे चिढ़ती क्यों है, क्योंकि ना इसे मैंने पिछले 3-4 दिन से 2 बार पकड़ के मैंने इसको इसको खिलाया है। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न ये मुझसे अब चिढ़ती है और मेरे को उल्टा काटने आती है। एनीवे अब मुझे करना है इसको मिक्स, हैंड फीडिंग फॉर्मूले को मिक्स करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक स्पून है। ठीक है, और मैं इसको 5-6 ml जो है हैंड फीडिंग पिलाऊँगा। तो इसके लिए मेरे पास 5 ml की सिरिंज है, और जब मैं हैंड फीडिंग कराऊंगा, क्योंकि ये छोटी बर्ड नहीं है, ये बड़ी हो चुकी है, हैंड फीडिंग तो लेगी नहीं, वाइल्ड बर्ड है, तो मुझे जो है इसको क्रॉस फीडिंग करानी पड़ेगी। तो अगर आपको क्रॉस फीडिंग नहीं आती है तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये हैंड फीडिंग वैसे लेंगे नहीं। अगर आपको क्रॉस फीडिंग आती है तो बेस्ट है, क्योंकि फिर उससे आपका बर्ड जो है ना बढ़िया रहता है एंड उसके अंदर जो है न्यूट्रिशन जाती है, वो बर्ड आपका परेशान नहीं होता, जो हेल्थ इश्यूज है उसके वो जल्दी से उससे रिकवर कर लेता है। अब मैं जल्दी से सिरिंज में भरता हूँ हैंड फीडिंग फॉर्मूला और उसको खिला के दिखाता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ ये देखिए, ये ना ये देखिए खा रही है, ये कंगनी खा रही है।
तो मुझे इस पे इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है अगर मैं इसको अभी दवाई ना भी दूँ तो ये ठीक हो जाएगी, बट मुझे कोई रिस्क लेना ही नहीं है। लेकिन जब आपका बर्ड खाए भी नहीं, खाता भी नहीं है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ बैठा हुआ है नीचे एक कोने में और उसको लूज मोशंस लगे हुए हैं, तो उस केस में ना आपको दिक्कत आती है। ठीक है, अभी तो ये बर्ड खा रहा है, लेकिन आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मुझसे कोई गलती ना हो, क्योंकि किसी दूसरे का बर्ड है और मैं चाहता ये हूँ कि ये जो है जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, तो इसको पकड़ता हूँ एंड फिर इसको हैंड फीडिंग कराते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो गाइज, मैंने इसको पकड़ लिया है, आप इसकी हालत देख सकते हैं, इसकी हालत हो रखी है ख़राब। और ये देखिए, इसके यहाँ पे जो है ये लूज मतलब जो पॉटी है चिपकी हुई है। पहले इसको क्लीन करते हैं, इसके वेंट को, उसके बाद जाके इसको हैंड फीडिंग कराएंगे। तो टिश्यू से जो है मैंने इसकी वेंट क्लीन कर दी है, अब इसको मैंने पकड़ा हुआ है, अब इसको हैंड फीडिंग कराना है। वीडियो बनाना होगा मुश्किल, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं पे वीडियो मतलब ये फ़ोन रखूँ और आपको दिखा पाऊँ। ये हमारी कॉकटेल है, ये हमारा हैंड फीडिंग सिरिंज है। ठीक है, ये देखिए इसके गले में ये अब जो है हैंड फीडिंग चला गया है नीडल, एंड मैं धीरे 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 ये जो खाना है इसके गले में मैं पुश कर रहा हूँ। धीरे धीरे करना है, नहीं तो ये जो है निकाल देगा पूरा खाना। अब इसने खा लिया पूरा जितना इसको खाना था। ठीक है, अब इसको जो है मैं रख देता हूँ इसके केज में। हैंड फीडिंग मैंने इसको करा दी है, दवाई भी इसके वेट में चली गई है, खाना भी इसके वेट में चला गया है, मेल बाहर आ गया है और जल्दी ठीक हो जाएगी। जब ये ठीक हो जाएगा ना पैर, तब तक इसके बच्चे भी निकल जाएंगे और तब मैं इस पैर को दे दूँगा किसी को। अभी तो ये पैर मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ। खैर, वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। होपफुली आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिली है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे मुझे प्यार देते रहिए और देखते रहिए ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। बाय।